हेलो गाइस, सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं एजुकर पॉइंट। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी अवार्ड्स के रिलेटेड, जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के दावेदारों में तीन भारतीय शामिल हुए हैं। तो इसी विषय में आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, जैसे कि आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के नॉमिनेशन की घोषणा कर दी गई है, जिसमें भारत के तीन युवा खिलाड़ियों ने इस वर्ष के अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई है। आईसीसी ने बताया कि इसके लिए वोटिंग जनवरी में होंगी। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के नॉमिनेशन में भारत के उभरते तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। वहीं वीमेंस कैटेगरी में रेणुका सिंह और यस्तिका भाटिया को नॉमिनेट किया गया है। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के अलावा मार्को जॉनसन, फिन एलन और इब्राहिम जादरान को शामिल किया गया है। देख लेते हैं ये किस देश से आते हैं। मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका से, फिन एलन न्यूजीलैंड से, इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान से। अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस की हम बात करें तो अर्शदीप सिंह के इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के 6 महीने से भी कम समय में आईसीसी के इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्शदीप ने 18.12 की औसत से 33 विकेट लिए हैं। बहुत कम समय में अर्शदीप ने यादगार प्रदर्शन किया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन कौन भूल सकता है, जिसमें इन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के विकेट सहित 3 विकेट लिए थे। अब हम थोड़ा जान लेते हैं वीमेंस के बारे में। आईसीसी वीमेंस इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड की लिस्ट में रेणुका और यस्तिका के अलावा डार्सी ब्राउन और एलिस कैप्सी अन्य 2 को नॉमिनेट किया गया है। देखते हैं ये किस देश से हैं। जैसे कि मैंने बताया, रेणुका सिंह, यस्तिका भाटिया भारत से हैं और डार्सी ब्राउन ऑस्ट्रेलिया से हैं और एलिस कैप्सी इंग्लैंड से हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेणुका सिंह के परफॉर्मेंस पर। रेणुका सिंह सीमित ओवरों के फॉर्मेट में भारत की एक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। रेणुका ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे में 8 विकेट झटके और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने T20 में 22 विकेट लिए हैं। अब हम बात करते हैं यस्तिका की परफॉर्मेंस की, तो इन्होंने 50 ओवर के खेल में लगातार अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस अवार्ड की रेस में जगह बनाई है। क्रिकेट विश्व कप में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। फ्रेंड्स, यही थी आज की नॉलेज आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड। सो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इससे नॉलेज जरूर मिली होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।